हेलो फ्रेंड्स, मैं हरपिंदर कौर, तुसी देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। आज मैं थानू 8th क्यू का डिस्कस करवाउन जा रही हूँ, जो कि स्टेटमेंट है डिस्क्राइब अ स्किल दैट यू कैन टीच अदर पीपल। कहिंदे कोई स्किल जो तुसी होरां लोकां नू भी सिखाओगे, वट इट इज़, कहिंदे वो केड़ी स्किल है, हाउ यू लर्न इट, तुसी कहिंदे इनू किद्दां सिख्या, हाउ कैन यू टीच अदर दिस स्किल, तुसी कहिंदे ये दूजिआं नू किद्दां सिखाउंदे हो ये स्किल, एंड हाउ डू यू फील अबाउट दिस स्किल, तुसी इस स्किल बारे की फील करते हो। सो स्किल्स तो जरूरी ने अपनी लाइफ दे विच, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी स्किल है, ठीक है। स्किल्स प्ले अ डिफाइनिंग रोल इन अवर लाइफ, दे मेक अस मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। कहते जो स्किल्स ने सानू बहुत ज़्यादा एफिशिएंट ते प्रोडक्टिव बनाते हैं। वैल, टीचिंग समथिंग टू समवन इज नॉट अ ईजी टास्क। कहते किसी को कुछ टीच करना एक सौखा टास्क नहीं होंगे, ऑल दो भावें कि कहते आई हैव लर्नड न्यूमरस स्किल्स सच एज कुकिंग, ड्राइविंग एंड मैनी मोर। भावें कि कहते मैं बहुत सारे स्किल्स सीखे ने, जिमें कुकिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया, तो होर कई सारे। हेयर आई वुड लाइक टू एलैबोरेट वन ऑफ माई फेवरेट स्किल विच आई वॉन्ट टू टीच अदरस, हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट कहते उस स्किल है जो मैं कहते होरों भी सिखाई हाँ, तो मैं किदा सिखाई हाँ सारा एलैबोरेट करूँगी मैं किदा सीखा। हैंडीक्राफ्ट इज़ द टाइप ऑफ क्राफ्ट वेयर पीपल मेक थिंग्स यूजिंग ओनली देयर हैंड ऑफ एंड बेसिक टूल्स। कहते हैंडीक्राफ्ट एक इदा का क्राफ्ट है जिद लोग अपने हैंड्स नाल हैंडमेड थिंग्स बनाते हैं, तो जस्ट बेसिक टूल्स यूज करते हैं, जिमें किसी क्लोथ पर पेंटिंग हो गई या थ्रैड वर्क हो गया। द आइटम्स आर यूजली डेकोरेटिव एंड हैव अ पर्टिकुलर यूज़। कहते ये आइटम सारिया बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव होंदिया, तो पर्टिकुलर यूज़ के लिए ही यूज़ की जाने। इट इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट। कहते एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट है। द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस स्किल इज स्टिल अलाइव इन सम प्लेसिज। कहते इस स्किल की जी पॉपुलैरिटी है वह हले भी बहुत सारिया प्लेसिस की आ अलाइव आ। सो उस तो बाद आप कॉन्टीन्यू करा, आई हैव लर्न दिस स्किल वन ऑफ माई फेवरेट टीचर। कहते यह स्किल मैं अपने एक फेवरेट टीचर तो सीखी सी। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज आई हैड अटेंडेड आर्ट क्लासिज फ्रॉम द प्रोफेसनल ट्रेनर एट माई स्कूल। सो कहते मैं एक प्रोफेसनल ट्रेनर तो सीखी सी, एंड यह क्लासिज कहते सानू मैंडेटरी होंगे सी। दिस हैज़ मेड मैंडेटरी इन माई स्कूल, दो आई वॉज नॉट इंट्रस्टड इन ट्रडिशनल, और या तुम कह सकते हो हैंडीक्राफ्ट। कहते की है, कहते मैं पहला भावें कि इंट्रस्टड नहीं सी, बट वैन आई सॉ सम वीडियोज ऑन YouTube, then I became curious in order to learn the skill. कहिंदे जदों मैं कुछ वीडियोस देखिया YouTube ते, तां मैं बहुत ज़्यादा curious हो गई कि मैं यह skill सीखना ही सीखना है। I have been doing handicraft since I have learned and never skipped for a long time. कहिंदे यह skill जदों दा मैं सीखिया, तो कहते कदे भी मैं इन स्किप नहीं किया। कहते मैं हमेशा आई स्पेंड 2 hours डेली, कहते मैं डेली लाइक इस स्पेंड करती हाँ। आई बिलीव आई स्टिल हैव ऑल द स्किल्स रिक्वायर टू टीच दिस आर्ट ईदर इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप। कहते मैनू लगता है भी मेरे को सारिया स्किल्स है इस आर्ट के रिलेटिड, इस क्राफ्ट के रिलेटिड, जो कि मैं किसी भी सिखा सकती हाँ, भावें ग्रुप से सिखा हो, भावें किसी इंडिविजुअल सिखा हो। सो नॉट ओनली आई कैन टीच हाउ टू डू थ्रैड पेंटिंग ऑन पीस ऑफ क्लोथ। कहते सिर्फ मैं यही नहीं दसूँगी लाइक थ्रैड पेंटिंग की जाती है किदा की जाती है क्लोथ के उत्ते, बट इट्स बेनीफिट्स एज वैल। कहते मैं इस क्राफ्ट के थोड़ा बेनीफिट्स भी दसूँगी। वैल, सो आई थिंक आई कैन टीच प्रॉपरली बिकॉज आई नो आई एम एक्सीलेंट इन दिस स्किल। कहते मैं पता है कि यह स्किल मैं दूजे बहुत चंकी तरह सिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं इस परफेक्ट हाँ, एक्सीलेंट हाँ, ठीक है। मोर ओवर आई वुड से, कहते इस तो बाद मैं कहना चाहनी हाँ, दिस इज़ नॉट हरकुलिन टास्क फॉर एनी वन टू लर्न इट। तो कहते मैं यही कहनी हाँ एंड दे विच कि यह किसी के लिए भी कोई औखा टास्क नहीं है। हरकुलिन होंगे औखा, नॉट आ हरकुलिन भी, यह कोई औखा टास्क नहीं है, कोई भी इसनों सीख सकता। इनफैक्ट इट इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव एंड ईजी स्किल। कहते इनफैक्ट यह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, इंट्रस्टिंग कह सकते हो, तो ईजी स्किल है। कहते ओवरऑल फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, कहते मैं यही कह रही हूँ एंड everyone must learn this art because nowadays we have very hectic schedule, so according to me this is the best
best art which provide us relaxation as well as act as a stress buster. So main kende ehi kehna chahundi haan end de vich jivein ki kende ajj kal apna jehda life schedule a bahut zyada busy a, so sareyan nu ehi kende ehi art karna chahida kyunki ik form of relaxation hai te ik stress buster da kam karda hai jide naal apna stress hai jehda kat janda. Theek hai ji, is to baad apan hun karde ho follow up question. फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन है, शुड टीचर्स बी फनी वैन दे टीच. कहिंदे जदों लाइक टीचर्स नूं कहिंदे फनी होना चाहिए, लाइक थोड़ा जिहा हासा मखौल करना चाहिए जदों वह टीच कराउंदे ने सिखाउंदे ने. यस डेफिनेटली ठीक है, होना चाहिए, बट किस किस तरीके नाल. अगर टीचर्स लाइक थोड़े नाल ठीक है, वधिया तरीके नाल बिहेव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वैन इंस्ट्रक्टर यूज पॉजिटिव एंड अप्रोप्रिएट ह्यूमर. कहिंदे जो वधिया बिहेव, वधिया पॉजिटिव नेचर दा है, स्टूडेंट्स report feeling the classroom is a more interesting and relaxed environment. The students da jo like appa kahiye students da jehda response hunda oh kende ne vi sadi class bahut interesting hai te relaxed hai, and they report more motivation to learn and more enjoyment of the कोर्स. तो कहिंदे उह की करदे ने कोर्स नूं बहुत इंजॉयमेंट दे नाल पढ़दे ने, ते उहनां दी उहनां नूं मोटीवेशन भी मिलदी अगर टीचर दा बिहेवियर वधिया है. ठीक है जी, बट कन्वर्सली कहिंदे दूजी साइड देखिया जावे, वैन इंस्ट्रक्टर्स और टीचर यूज नैगेटिव और अग्रैसिव ह्यूमर. कहिंदे जे टीचर दा जिहड़ा बिहेवियर आ उह अग्रैसिव नेचर होवे ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਏਮਡ ਐਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅ ਮੋਰ ਐਂਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ. ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਐਂਡ ਲੈਸ enjoyment of class are reported by students. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਸ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੈਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਟੀਚਰ ਹੈਵ. ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਫਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ या अ कंपीटेंट टीचर शुड पोजेस इंडिविजुअल क्वालिटीज सच एज बीइंग काइंड हार्टेड होवे, ह्यूमरस होवे, पेशेंस, रिस्पोंसिबल एंड हैविंग कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप. कहिंदे उहदे विच की होवे, कॉन्फिडेंट होवे, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज होण. ते इन माई ओपीनियन, कहिंदे मेरा ओपीनियन की आ, अमंग ऑल दीज क्वालिटीज, ए क्वालिटीज तो इलावा पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट अ गुड टीचर शुड पोसेस. कहिंदे गुड टीचर दे विच एक पेशेंस लैवल होना बहुत जरूरी है, जो हरेक गल नू लाइक पेशेंटली, कहिंदे उहनू लाइक बहुत सॉफ्ट तरीके नाल उसनू हैंडल कर लवे. फॉर एग्जाम्पल कहिंदे अ टीचर विद पेशेंस इज़ अ टीचर हु कैन कंट्रोल इमोशंस अप्रोप्रिएटली. सो वह टीचर जिहदे विच पेशेंस होवे, कहिंदे वह हरेक सिचुएशन नूं, इमोशनल सिचुएशन नूं अप्रोप्रिएटली कंट्रोल कर लैंदा. सो थर्ड क्वेश्चन है, विच डू यू थिंक आर मोर इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल स्किल और एकेडमिक स्किल. तुहानूं की लगता, कहिंदे प्रैक्टिकल स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एकेडमिक स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. According to me, here in India and every part of the world, kende mere according India or harek world, the harek part of the world, the matlab ke ki harek country de vich ki hunda, practical skills are extremely important. Jyada skills kede important ne, practical, but degrees are also important. So kende written jo thoda theoretical academic skills hunde oh vi bahut jyada important ne, because someone would like to see your practical skills only after knowing what degrees यू होल्ड. कहते प्रैक्टिकल स्किल थोड़ा उदों ही देखे जाता जो पहला थोड़िया एकेडमिक डिग्रीज देखिया जाए. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल या लेट अस अंडरस्टैंड, इट इज लाइक आ टू स्टेयर हाइट बिटवीन यू एंड योर डेस्टिनेशन. कहते दो स्टेयर की लाइक हाइट आ जिद तुम्हें डेस्टिनेशन है, थोड़ा एम आ. तो फस्ट स्टेयर इज डिग्रीज, फस्ट स्टेयर की है डिग्रीज है. कहते सैकेंड स्टेयर इज अ प्रैक्टिकल स्किल्स. इफ एनी ऑफ दीज द थिंग is absent, the journey would be difficult but not impossible. kehnde jehdi journey hai difficult zarur hogi par impossible nahi hogi. theek hai ji, fourth question hai, which age group is best age for learning. kehnde kehda age group best manya janda hai learning de layi. so the group ya the popular belief is that
younger you are the better and faster you will learn the language kende jadon younger ones hunde ne children hunde ne oh jaldi har ek cheez nu faster kende nu adapt karde ne it means that their brains are able to adapt more easily to new sounds and patterns so that's why a person just can become bilingual if he or she learns both language as a child kende agar bachcha chote hunde to do language sikhda to easily बायलिंगुअल बन जाता उसकी कमांड वधिया हो जाती है क्योंकि उन्होंने माइंड है जिहड़ा वो हरेक चीज़ नूं कहिंदे ईजीली अडैप्ट कर रहा हुंदा है उन्होंने माइंड उस टाइम बहुत फ्रैश हुंदा है सो फरदर मोर चिल्ड्रन डू मेक मिसटेक्स एंड दे डोंट केयर एट ऑल कहिंदे ठीक है बच्चे सीखते भी जल्दी ने मिसटेक भी करते हैं पर उन्होंने केयर नहीं करते बट की हुंदा वी अडल्ट आर सो फ्राइटन टू मेक मिसटेक्स दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वोंट स्पीक अ वर्ड इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर नॉट टू लुक सिली सो कहिंदे की हुंदा यो यंगस्टर्स ने उन्होंने कोई नहीं हुंदा चिल्ड्रन नू कोई चक्कर नहीं हुंदा कि सब तो गलती हुई है कोई केयर नहीं करते बट अगर अडल्ट तो कोई गलती हुंदी है पहली गल तो वो कहिंदे कुछ बोलते ही नहीं उन्होंने माइंड च यही रहिंदा कि अगर असी कुछ बोलिया तो साडा मजाक ना बन जाए असी सिली ना लगीए सो मेरे अकॉर्डिंग चिल्ड्रन जो छेती सीखते हैं ठीक है फ्रेंड्स ये अपना अज का क्यू कार्ड ते फॉलोअप्स क्वेश्चन मैं आस है कि तुहानू मेरी अज की क्लास बहुत वधिया लगी होगी जे तुहानू मेरी अज की क्लास वधिया लगी तो लाइक जरूर करो शेयर जरूर करो तो मेरे चैनल सबसक्राइब करो तो बैल आइकन पर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुहानू मिल सके ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नवी वीडियो के नाल बाय बाय टेक केयर